को बीजेपी ने निलंबित कर दिया और विवादित बयान पर 10 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा है। तो ये सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां पर जिस तरीके से हंगामा बरपा, बीजेपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और अपने विधायक को निलंबित कर दिया और 10 दिन में उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 10 दिन में उनको जवाब दाखिल करना है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद से जमकर हैदराबाद समेत तेलंगाना में बवाल मचा हुआ है और ओवैसी ने सीधे सीधे इसको लेकर बीजेपी पर हमला किया था कि बीजेपी के शह पर ही लगता है उनके विधायक ने बयान दिया था। इसके बाद बीजेपी ने एक्शन लिया और विधायक को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा उन्होंने 10 दिन में कारण बताओ नोटिस जारी किया और आपको बता दें कि ये बीजेपी के एकमात्र तेलंगाना के विधायक हैं और ये बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। अब उनको सस्पेंड कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, हैदराबाद में सियासी पारा गर्म हो गया है। दरअसल तेलंगाना में बीजेपी के एकमात्र विधायक टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद अपमान के मामले में गिरफ्तार किया गया और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तार किए गए बीजेपी विधायक टी राजा सिंह विवादित बयान पर उनको गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था और इसके बाद कल देर रात तक अलग अलग थानों में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस कमिश्नरेट से लेकर अलग अलग जगहों पर हंगामा किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों में काफी नाराजगी थी और इसके बाद ओवैसी की पार्टी के विधायक ने FIR दर्ज करवाई और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पैगंबर मोहम्मद मामले में भड़काऊ भाई जान ने अपनी सियासी दुकान भी खोल दी है। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने आग पर दंगों का घी डालने की तैयारी कर ली है। ओवैसी ने एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने का काम किया, कहा कि बीजेपी पैगंबर मोहम्मद साहब और मुसलमानों से नफरत करती है। हैदराबाद में पैगंबर विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का यह बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पे आरोप लगाया और ये कहा कि बीजेपी पैगंबर मोहम्मद से भी नफरत करती है, मुसलमानों से भी नफरत करती है। बीजेपी मुस्लिमों से हमेशा से नफरत करती रही है। भारत की धर्म निरपेक्षता को बर्बाद करना बीजेपी की पॉलिसी में है। तेलंगाना में दंगा फैलाना चाहती है बीजेपी। क्या PM टी राजा सिंह की बयान से सहमत है? ये सवाल भी किया असदुद्दीन ओवैसी ने। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बीजेपी पे आरोप भी लगाए गए, प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछ लिए गए। हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है हमारे लिए, और आप इस तरह की गंदगी अपनी जबान से अदा करते हैं? ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बड़े बड़े Amazon, Microsoft, Google अपने अपने सेंटर्स यहां पर खोल रहे हैं। आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं इस पर अब आप क्या कहेंगे? आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लोरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना।
और चलिए चार का वार में अगली बड़ी खबर जान लीजिए। हैदराबाद की सड़कों पर सरतन से जुदा के नारे लगे हैं। भीड़ में शामिल कट्टरपंथियों ने खुलेआम यहां पर नारेबाजी की है। पुलिस की मौजूदगी में ये नारे लगाए गए। कट्टरपंथियों के खिलाफ पुलिस ने मामला भी जरूर दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, कल रात से ही पहले तो लगातार जो कट्टरपंथी है उस सड़कों पर उतरे, वो नारेबाजी कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि टी राजा को गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तारी के बाद अब सरतन से जुदा के नारे लगे हैं। अलग अलग चार तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के भावनगर में इस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवाते हैं आपको। ये लगे कि चर्चा के लिए भी नहीं बुलाते, इनको अहंकार हो गया है, इनको गरूर हो गया है। 27 साल की सत्ता में रहने के बाद इनको लगता है, हम कई बार गुजरात में जब आते हैं तो यहां के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी वालों से, हमने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो, कहते हैं जरूरत क्या है, क्यों करें, ऐसे ही वोट मिल रहे हैं, कहां जाएंगे लोग। बोले कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस वाले हमारे में आ जाएंगे। पहली बार इनकी नानी याद आ रही है, आम आदमी पार्टी आ गई है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से सबसे कहना चाहता हूं, जितने सरकारी फैसिलिटीज आपको बंद की गई सारे दोबारा चालू कराएंगे, आपके साथ बैठेंगे, और जो जो फैसिलिटीज हो सकती हैं आप वो सारी फैसिलिटीज आपको देंगे, और आपसे निवेदन करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पक्ष में मत छापिएगा, हमारी त्रुटि निकालिएगा। अब सीधा मुद्दे पे आता हूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। 2018 में तलाटी का पेपर हुआ, 1800 पोस्ट थी, 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया, आज तक उस वो पेपर नहीं करा इन लोगों ने, पेपर कराया ही नहीं इन लोगों ने। अभी 2022 में दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए लेकिन इन्होंने पेपर नहीं कराया। जो सरकार 5 साल में पेपर नहीं करा सकती वो सरकार कैसे चलाएंगे, उनसे सरकार उसके बस की बात नहीं है। आ रहा हूं। तो आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी का पेपर होगा, अप्रैल तक नतीजे आ जाएंगे, और अप्रैल के महीने में जो जो सफल कैंडिडेट होंगे उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि बिहार से है। बिहार के गया से ये खबर है, जहां विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश करने से नीतीश मुश्किल में पड़ गए हैं। बिहार से दरअसल सीएम नीतीश कुमार पर नया विवाद ये सामने आ गया है। गया के विष्णुपद मंदिर गए थे सीएम नीतीश कुमार और उनके साथ मंत्री इजराइल मंसूरी भी गए थे। मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक है, जिसके बाद हिंदू संगठन और मंदिर के पुजारी नाराज हो गए हैं, भारी आक्रोश उनमें देखा जा रहा है। तो बिहार में अब सीएम नीतीश कुमार एक और विवाद में फंस गए हैं। वो मंदिर पहुंचे थे लेकिन उनके साथ उनके मंत्री इजराइल मंसूरी भी गए थे, जिसके बाद मंदिर में मंदिर के जो पुजारी है, जो हिंदू संगठन है, वो नाराज हो गए हैं। दरअसल मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक है लेकिन सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री इजराइल के जाने पर अब पुजारी नाराज हो गए हैं और नया विवाद ये सामने आ गया है। गया के विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे जिसमें गैर हिंदू के पहुंचने पर रोक लगाई गई है, प्रवेश पर रोक है, लेकिन उसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री इजराइल मंसूरी भी गए थे, जिसके बाद अब हिंदू संगठन में खासी नाराजगी देखी जा रही है, तमाम पुजारियों में आक्रोश नजर आ रहा है। तो बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन उनके साथ उनके मंत्री इजराइल भी पहुंचे थे, जिसके बाद अब आक्रोश है तमाम पुजारियों में। वो मंदिर को विधर्मियों के द्वारा अपमानित किया गया है, मंदिर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं प्रवेश कर सकते हैं। करोड़ों सनातनी और हिंदुओं के साथ मुख्यमंत्री जी ने
उनके भावना को आहत किया है, उनको उनके भावना को अपमानित किया है। अविलंब मुख्यमंत्री जी इस पर माफी मांगे और उस मंदिर को अविलंब शुद्धिकरण किया जाए, और ऐसे मंत्री जो लिखा हुआ था कि दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते हैं, मंसूरी जी गए हैं, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। इसके लिए हमको बहुत जो है क्षोभ है, और जो है हम हमारे समाज को इसके कारण जो है काफ़ी ठेस पहुंचा है सनातन धर्म पर जो है इस तरह का, और ख़ास करके गया जी विष्णुपद में ऐसा किया गया, इसके लिए जो है से समाज काफ़ी जो है से वो क्रोधित है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पर शुरू से ही बना हुआ है कि यहाँ नन हिंदू प्रवेश जो है आज से नहीं, जब से भी व्यवस्था चली आ रही है तब से ही वहाँ हिंदू प्रवेश निषेध है। तो ये खबर बिहार से है। दरअसल विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार, लेकिन उनके साथ मंत्री इजराइल मंसूरी गए थे, जो आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जिसके बाद ये पूरा विवाद अब खड़ा हो गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में एक नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मौत मामले में ट्विस्ट आ गया है। दरअसल उनकी बहन रमन फोगाट का दावा है कि सोनाली के खाने में गड़बड़ की बात कही थी, और फोन पर उन्होंने अपनी माँ से बात की और फोन पर आशंका जताई थी। सोनाली के शरीर में भी कुछ दिक्कत की बात सामने आई थी। दरअसल सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन इस पूरे मामले में उनकी बहन के बयान के बाद ट्विस्ट आ गया है। गोवा के अंजुना बीच पर उनकी मौत हुई, लेकिन अब उनके परिवार वालों ने सवाल उठाते हुए कहा कि सोनाली की जो मौत के पीछे कुछ और वजह हो सकती है। सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था आदमपुर से, और अब इस पूरे मामले में सवाल खड़े होने लगे। उनकी बहन ने सवाल खड़े कर दिए कि उनकी मौत नेचुरल नहीं है और कुछ न कुछ गड़बड़ है। मेरी मम्मी से बात, मेरी मम्मा से बात हुई थी घर भूथन गाँव में, तो वो ऐसी कह रही थी मम्मा मेरे खाने के बाद मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरे शरीर में हरकत हो रही है बस। तो उसने कहा कि तुम डॉक्टर के चले जाओ, ले जाएंगे, जैसे पता नहीं सुबह का नाम लिया या कल का नाम लिया, जैसे उस बात का कोई पता नहीं। सुबह तो फोन ही आ गया था 8 बजे कि वो एक्सपायर हो गई। ठीक, इससे ज़्यादा ठीक है। ठीक, टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के निधन ने उनके फैंस को गमगीन कर दिया, तो साथ ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या वजह रही कि मात्र 42 साल की सोनाली, जो अपने वीडियोज में हमेशा चहकती चुलबुली दिखी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो मौत की आगोश में चली गयी। सोनाली फोगाट ने 2019 के हरियाणा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस से लड़े कुलदीप बिश्नोई से चुनाव हार गई थी, लेकिन उनका व्यवहार और व्यक्तित्व ऐसा था कि जब बिश्नोई कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए तो उनसे मुलाकात करने फार्म हाउस गई थी। सोनाली हाल फिलहाल में भी काफी एक्टिव रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के दरमियान उन्होंने तिरंगा यात्रा में शिरकत की और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक से निधन बहुत ही दुखद घटना है। ये बीजेपी से इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा था, गोवा से हार्ट अटैक की खबर। सोनाली फोगाट, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 21 सितंबर 1989 को हरियाणा के फतेहाबाद में जन्मी सोनाली फोगाट का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। 2006 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग से की थी। 2008 से बीजेपी में शामिल हो गईं। 2016 में उनके पति संजय की संदिग्ध हालत में मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। रियलिटी शो बिग बॉस 14 में हिस्सा लेते वक्त वो सुर्खियों में आई और अपने जीवन के कई छुए अनछुए पहलुओं को सबके सामने रखा। टिकटॉक स्टार सोनाली ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था और कई म्यूजिक एल्बम किए थे। फोगाट का विवादों से भी नाता रहा। सोनाली फोगाट का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में सोनाली फोगाट एक अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नजर आई थी।
सोनाली फोगाट भारत में बंद हो चुके टिकटॉक ऐप पर काफी लोकप्रिय रही थी। फिर एक्टिंग और राजनीति में सक्रियता ने उनके फैंस का दायरा और बढ़ा दिया था। गोवा में अचानक हुई सोनाली फोगाट की मौत से उन्हें धक्का लगा है। निधन से 12 घंटे पहले सोनाली ने सोशल मीडिया पर एक रील डाली थी और कुछ फोटोज भी शेयर किए थे, जिसके कैप्शन में लिखा था, सोनाली फोगाट हमेशा तैयार, स्माइल स्ट्रॉन्ग, रियल बॉस लेडी, दबंग हरियाणा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का ओवैसी बंधुओं पर हमला। दोनों भाई हमारे देवी देवताओं पर बोलते रहते हैं, राज ठाकरे ने यह कहा, इनके मुंह पर कोई बंधन नहीं है, कोई कार्रवाई इन पर नहीं होती है। और नुपुर शर्मा ने वही बात कही जो जाकिर ने कहा था। राज ठाकरे ने कहा है कि कवि इकबाल कहते हैं कि हिंदुस्तान और हम कहते हैं भारत, ये बाकायदा इन्होंने कोट भी किया। और राज ठाकरे ने असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार हिंदुस्तानों को खुद का मसीहा बताते हैं, उनके लिए झंडे बुलंद करते हुए आगे आगे चलते हैं, उस पर पलटवार था, क्योंकि हैदराबाद में जो कुछ भी हुआ, बीजेपी के विधायक की तरफ से जो पैगंबर को लेकर के भी बयान दिया गया, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पे बीजेपी पे आक्रामक नजर आ रहे हैं, सवाल खड़े करते हर किसी पे नजर आ रहे हैं। तो राज ठाकरे का ये जवाब सामने आया है। ओवैसी बंधुओं पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि देवी देवताओं को लेकर के हमेशा ये बोलते रहते हैं, इनके मुंह पर कोई भी बंधन नहीं है, इनके मन में जो आता है ये बोलते हैं और अपने हिसाब से तर्क को सामने भी रखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। टोल से केलेलं आंदोलन आपण जवळपास 65-67 टोल नाके महाराष्ट्रातले बंद केले आपण, आणि ज्या शिवसेना भारतीय जनता पक्ष यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिलं होतं ते आम्ही टोल मुक्त महाराष्ट्र करू। और चार कवार में अगली बड़ी खबर आपको बता दूं, नशे के कारोबार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा प्रहार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, डीआरआई और एनसीबी से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लाए जाएंगे। शुरुआत में गाजीपुर और बाराबंकी में थाने बनाए जाएंगे, ये आदेश जारी कर दिया है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम की ये कोशिश है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुरुआत में गाजीपुर और बाराबंकी दो जगह बताई जा रही है जहां पर थाने बनेंगे। मादक पदार्थ और अवैध व्यापार को कैसे रोका जाए, इसकी कवायद इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और इसी के लिए नशे के कारोबार पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा प्रहार, कड़ा प्रहार। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, डीआरआई और एनसीबी के प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी यहां पर लाए जाएंगे। शुरुआत गाजीपुर और बाराबंकी में थाने बनाने के साथ होगी। और आगे रुक कर लेते हैं, एक और बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। माफिया अतीक के बेटे उमर अहमद ने सरेंडर कर दिया है, लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया गया है। उमर अहमद पर 2 लाख का इनाम भी था, पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था उमर, मारपीट और अपहरण के मामले में आरोपी था। तो देखिए 2 लाख का इनाम भी था इस पर उमर अहमद पर, लेकिन 3 सालों से फरार चल रहा था और अब सरेंडर कर दिया है, लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया गया है। तो माफिया अतीक के बेटे उमर अहमद ने सरेंडर कर दिया है, कई धाराओं में केस दर्ज था, हत्या का भी आरोप लगा हुआ है उमर अहमद पर और इसी के साथ मारपीट अपहरण के मामले में आरोपी था, कई सालों से फरार था। उमर अहमद पर 2 लाख का इनाम भी घोषित था और अब उमर अहमद ने खुद को सरेंडर कर दिया है, लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया गया है। तो माफिया अतीक का बेटा है उमर अहमद, जो फोटो आप देख रहे हैं ये उमर अहमद है जिसने लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया है, 2 लाख का इनाम इस पर था। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर है, माफिया अतीक का बेटा उमर ने सरेंडर कर दिया है, कई सालों से फरार चल रहा था, कई मामलों में कई धाराओं में केस दर्ज है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बाहुबली मुख्तार अंसारी जुड़ी हुई खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है, मऊ के डीएम ने संपत्ति कुर्क करने के मामले को लेकर आदेश दिया। मुख्तार के करीबी के 12,96,00,000 की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जिसमें जमीन और दुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कुर्क करने का आदेश दे दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, ये सबसे बड़ी खबर, यानी मुख्तार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 3 दिन पहले भी 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी और अब एक बार फिर से मऊ के डीएम ने कुर्की का आदेश
जारी किया। ये देखिए बाकायदे पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया है, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मऊ, और इसमें करीब 12 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति उसको कुर्क किया गया, जमीन और 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और इसी के साथ 4 के बाद में आज के लिए इतना ही। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।